नमस्कार, मैं ब्रिजमोहन और आप देख रहे हैं न्यूज एनसीआर और बीवीएम न्यूज का खास बुलेटिन, जिसमें हम नजर डालेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर। रुख करते हैं राजनीतिक खबरों की तरफ। जब तक महाराष्ट्र में सभी मस्जिदों से लाउडस्पीकर नहीं उतरते, तब तक आंदोलन जारी रहेगा, बोले राज ठाकरे। बीजेपी नेताओं को हाईकमान ने राजस्थान में माहौल बिगाड़ने का निर्देश दिया, जोधपुर हिंसा पर बोले अशोक गहलोत। यूपी के थाने में रेप, प्रियंका ने पूछा महिलाएं कहां जाएं, सपा बोली वर्दी वालों से बेटी को बचाओ। जेजे अस्पताल में शिफ्ट हुए नवनीत राणा, वकील ने दिया तबीयत खराब का हवाला। मुंबई में मस्जिद के सामने किया गया हनुमान चालीसा का पाठ। लाउडस्पीकर को लेकर एमएनएस का आर पार का ऐलान। महाराष्ट्र में सियासी घमासान। नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा को राहत, सेशन कोर्ट ने शर्तों के साथ दी जमानत। रुक करते हैं राष्ट्रीय खबरों की तरफ। प्रधानमंत्री मोदी ने आइसलैंड की पीएम से की मुलाकात, व्यापार और ऊर्जा समेत कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर हुई बात। स्पाइसजेट के विमान में फिर आई तकनीकी खराबी, चेन्नई लौटा जहाज। दाऊद के भतीजे की जमानत अर्जी खारिज, बिल्डर को धमकाने का आरोप। बारात में 15 मिनट तक चलती रही फायरिंग, गोलियां चलाने का हुआ कॉम्पिटिशन, दो मरे। रिजर्व बैंक ने किया रेपो रेट बढ़ाने का ऐलान, बढ़ जाएगी ईएमआई। कर्नाटक में कैंपेगौड़ा की 108 फीट ऊंची मूर्ति का काम जारी, लगाई जाएगी 4000 किलो की तलवार। कृषि क्षेत्र में शोध और विकास के लिए जर्मनी देगा वित्तीय मदद, दोनों देशों के बीच हुए समझौते में वर्ष 2025 तक 2400 करोड़ रुपए का रियायती कर्ज का प्रावधान। रुक करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की तरफ। तालिबान ने लगाया महिलाओं के गाड़ी चलाने पर प्रतिबंध। डेनमार्क में मोदी ने दिया चलो इंडिया का नारा, कहा हर भारतीय 5 विदेशी दोस्तों को भारत दर्शन के लिए भेजे, आप राष्ट्रदूत बने। नासा ने खींची सोलर प्लेयर की तस्वीर, सूरज की सतह पर उठा तूफान, इंस्टा पर वायरल हो रही है फोटो। 76 यूरोपीय शहरों ने तिब्बत के गांवों को गोद लिया, फ्रेंच ग्रुप ने कहा संप्रदाय की पहचान बची रहे, यही हमारा मकसद। ब्रिटेन में डेंटिस्ट की कमी, 10 साल के सबसे निचले स्तर पर पहुंची डेंटिस्ट की संख्या, मरीजों को 3 साल तक की वेटिंग। ट्रंप समर्थित जेडी वेंस ने अमेरिकी सीनेट के लिए ओहियो प्राइमरी चुनाव जीता, जेडी वेंस का है भारत से कनेक्शन। रुक करते हैं खेल जगत की तरफ। वार्नर का दिखा अलग अंदाज, लेग स्पिनर बने दिल्ली के बैटर, आने वाले मुकाबलों में बरपा सकते हैं गेंदबाजी से कहर। फुटबॉल चैंपियंस लीग में फुटबॉल क्लब लिवरपूल ने विलारियाल को 5-2 से हराकर फाइनल में स्थान पक्का किया। स्नूकर, इंग्लैंड के 46 साल के रॉनी ओ सुलिवान सबसे उम्रदराज वर्ल्ड चैंपियन, 44 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा, 4.8 करोड़ की प्राइज मनी जीती। ऑस्ट्रेलिया का श्रीलंका दौरा रद्द नहीं होगा, बिजली कटौती हुई तो डे नाइट मैच भी दिन में ही होंगे, श्रीलंका को बड़ी कमाई की उम्मीद। आईपीएल में 5वें नंबर पर पहुंची किंग्स इलेवन पंजाब, शिखर पर पंजाब टीम का आत्मविश्वास कायम रखना होगा, जीत का यही सिलसिला। लगातार 5 जीत के बाद हारी गुजरात, एक ओवर में 28 रन बनाकर लिविंगस्टोन ने दिलाई पंजाब को जीत, गब्बर ने भी खेली अर्धशतकीय पारी। आईपीएल में लिविंगस्टोन ने लगाया 117 मीटर लंबा छक्का। आईसीसी ने वार्षिक अपडेट के बाद टीमों की रैंकिंग जारी की है, टेस्ट रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया पहले और भारत दूसरे स्थान पर। वनडे में न्यूजीलैंड शीर्ष पर, इंग्लैंड दूसरे स्थान पर तथा भारत टी20 में शीर्ष पर बरकरार। रिद्धिमान शाह को धमकी देने को लेकर बीसीसीआई ने पत्रकार मजूमदार पर लगाया 2 साल का बैन। रुक करते हैं मनोरंजन जगत की तरफ। पवन सिंह और खेसारी विवाद से 2 गुटों में बटा भोजपुरी सिनेमा, यादव और राजपूत के बीच शुरू हुई जंग। बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप हुई रामचरण चिरंजीवी की फिल्म आचार्य, डिस्ट्रीब्यूटर्स ने मांगा 50 करोड़ रुपए का मुआवजा। हमेशा के लिए बंद हुआ कॉफी विद करण, सोशल मीडिया पर आई मीम्स की बाढ़। सिनेमा में पूरे हुए अक्षय कुमार के 30 साल, यशराज फिल्म्स ने पृथ्वीराज का पोस्टर साझा कर मनाया जश्न। रुक करते हैं प्रदेश की बड़ी खबरों की तरफ। हरियाणा में मौसम ने बदली करवट, तेज बारिश के साथ ओलावृष्टि, तापमान में 5 से 10 डिग्री तक गिरावट। हरियाणा के रेवाड़ी में कंपनी सुपरवाइजर की हत्या, नौकरी नहीं दिलाई तो मार डाला, रेवाड़ी में बोरे में बंधा मिला था शव। रेवाड़ी में सांप के काटने से बच्चे की मौत, झुग्गी में खेलते समय मारा डंक, अस्पताल में उपचार के दौरान दम तोड़ा। करनाल में आम आदमी पार्टी का विरोध प्रदर्शन, बिजली सप्लाई सुचारू न होने पर 15 दिन बाद स्थायी धरना देने की चेतावनी। 1210 छात्रों को मिलेगी टूल किट, अम्बाला के 59 राज्य स्कूलों में 10वीं और 12वीं के स्टूडेंट को दी जाएगी ट्रेनिंग। फीस न देने पर स्कूल से निकाला, रेवाड़ी में बच्चों के अभिभावकों ने डीसी को दी शिकायत, कार्रवाई की मांग। रुक करते हैं स्थानीय खबरों की तरफ। तिगांव से भाजपा के विधायक राजेश नागर ने आज वर्षों से चली आ रही मंझावली पुल के निर्माण की समस्या को लेकर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की।
एनसीआर में बदला मौसम, दिल्ली में छाए बादल, फरीदाबाद में बारिश और ओलावृष्टि। फरीदाबाद की आर्चरी अकादमी की खिलाड़ी रितिका यादव ने राष्ट्रीय प्रतियोगिता में जीता गोल्ड। एनआईटी फरीदाबाद की संजय कॉलोनी में देर रात ट्रांसफार्मर में लगी धू धू कर आग, स्थानीय लोगों ने दमकल गाड़ी के पहुंचने से पहले पाया आग पर काबू। अब तक के लिए बस इतना ही, देखते रहिए न्यूज़ एनसीआर और बीवीएम न्यूज़।